हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार अब पटरी पर लौटने लगा है। कोरोना के चलते दो साल तक प्रदेश में पर्यटन कारोबार काफी प्रभावित रहा था। हालांकि प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद पर्यटन कारोबार बढ़ा था, लेकिन फिर से कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ने से पर्यटकों ने हिमाचल का रुख करना बंद कर दिया था। वहीं पर्यटन निगम के निदेशक अमित कश्यप ने कहा कि पिछले दो वर्षो में कोरोना महामारी के दौरान पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों को काफी नुकसान हुआ था। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन उद्योग का लगभग 7.3% जीडीपी में योगदान रहता है। उन्होंने कहा कि कोरोना से पहले करीब 2 करोड़ पर्यटक हर वर्ष आते थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते कम संख्या में ही लोग हिमाचल आए हैं। वहीं विंटर सीजन में पर्यटकों की आमद में इजाफा होने की बात भी पर्यटन निगम के निदेशक अमित कश्यप ने कही है कि जो कोविड महामारी का प्रकोप था, उसकी वजह से जो है पर्यटन का जो क्षेत्र था इसको काफी भारी आघात जो है पहुंचा था। अगर मैं आंकड़ों से इसको आपको स्पष्ट करूँ तो एक प्री कोविड ईयर में नॉर्मली जो यहाँ पर टूरिस्ट हमारे प्रदेश में आता था लगभग 1,60,00,65,00,70,00,00 के बीच में जो है टूरिस्ट हमारे प्रदेश में आता था। जो प्रथम वर्ष था कोविड का 2020, उस साल जो है पर्यटकों की आवाजाही, क्योंकि बहुत हमारे जो प्रदेश हैं वहाँ पर कर्फ्यू और लॉकडाउन की अवस्था जो है वो लगी हुई थी, तो उस वर्ष में जो है मात्र 32,00,000 के करीब जो है पर्यटक हमारे प्रदेश में आए थे। अगला जो साल था 2021 का, उसमें भी आंशिक रूप से जो है कोविड महामारी का जो है प्रकोप जारी रहा, परंतु उस वर्ष हमारे यहाँ पर जो टूरिस्ट की मात्रा थी लगभग 56,00,000 के करीब जो है टूरिस्ट 2021 में यहाँ पर आया। इस साल के अगर मैं बात करूँ 2022 में, और जो मेरे पास आंकड़े हैं नवंबर एंड तक के, लगभग जो है 1,40,00,000 के करीब जो है टूरिस्ट ऑलरेडी हमारे प्रदेश में आ चुका है। जो दिसंबर माह होता है इसमें ट्रेडिशनली जो है काफ़ी भारी तादाद में, भारी मात्रा में जो है टूरिस्ट हमारे प्रदेश में आते हैं, तो मेरा ये अनुमान है कि जो प्री कोविड ईयर्स में टूरिस्ट का आंकड़ा रहता था शायद उससे भी अधिक जो है टूरिस्ट इस वर्ष में हमारे प्रदेश में आएगा। और एडवांस बुकिंग जो है हमारे जितने भी होटल्स हैं वहाँ पर ऑलरेडी जो है स्टार्ट हो चुकी है, और लगभग जो है इस समय तक जो है 50% जो है 50% तक जो है बुकिंग हो गई है, और मेरा ये मानना है कि आने वाले दिनों में जो है ये हमारे जितने भी होटल्स हैं ये पैक्ड रहेंगे।